नाली के विवाद में पारिवारिक चाचा चाची ने बेटे संग मिलकर भतीजों पर किया जानलेवा हमला, एक की मौत और दो घायल। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स, यहाँ उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के राधानगर थाना क्षेत्र के दलीपुर गांव में रास्ते में पानी बहाने के विरोध करने पर पारिवारिक चाचा व चाची ने अपने दो बेटों के साथ मिलकर भतीजों पर जानलेवा हमला कर दिया। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस अपराध जगत की खबर पर नजर, रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर। नहीं थे इनका कोई पता नहीं है, घर पे थे दोनों। हाँ। लोग घर गए। हाँ। तो यहाँ से जाते हुए पानी रास्ता में भैंस धोई बांधे थे, उसमें तुरंत चिल्लाने लगे तो लाठी कुल्हाड़ी वो हसिया वसिया सब लेके निकल गया। हमारे बड़े भाई के मार दिए कुल्हाड़ी मोड़ी थी, तो उसके ऊपर हम पड़ रहे हैं, हम रोते रहे कि साहब बंद करो ना मारो हमारे भैया को, बचा ले, मगर कौनों नहीं देखा कि भैया इतने में भैया है हमारे यहाँ लेके चले आए। कई लोग घायल हुए थे उसमें? तीन लोग थे हम। तीन लोग घायल हो गए थे, फिर यहाँ लेके आए तो पता मिला 4 बजे खत्म हो गए हमारे भैया। भाई क्या नाम था उनका? मनोज कुमार। और जो दो लोग घायल उनका क्या नाम? हमारे भाई हैं सुनील लानी। पानी के नाली के विवाद में ही सब लोग। कहाँ घटना है ये? थाना राधानगर जनपद फतेहपुर में, गांव दलीपुर है। यहाँ पर दो सगे भाई रहते हैं, इंद्रजीत लोधी और छोटे लोधी। इनके बीच में रास्ते को लेकर एक विवाद था और आज कल इनमें झगड़ा हुआ और इसमें मनोज को चोट लगी थी। मुकदमा कल ही पंजीकृत कर दिया गया था और दबिश दी जा रही थी। आज मनोज की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मुकदमे में जो भी धाराएं और निकल के आ रही हैं, जो भी विवेचना के दौरान धारा की बढ़ोतरी करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, मुलजिमों के घर पर दबिश दी जा रही है, टीम बना दी गई है, जल्दी ही मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।